हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अश्वमेय विद्यालय. लेट अस वी कंटिन्यू आवर टॉपिक इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. यस्टरडे वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. How its work, its features, and today we are going to discuss about the impact on Indian economy. What is the impact of Indian economy of WTO? WTO की Indian economy पे क्या असर हो रही है, इसके बारे में हम लोगों को discuss करना है. So we'll continue our topic. इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. WTO की इंडियन इकोनॉमी में क्या असर हो रही है. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस WTO ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स इंसेप्शन. इंसेप्शन मतलब एस्टैब्लिशमेंट. जब से WTO की एस्टैब्लिशमेंट हुई है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तब से इंडिया जो है वो WTO ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया और विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स वुड इट इंडिया एक्वायर आर डिस्कस बिलो. तो यहाँ पे इसकी कैसी, किस तरह की इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में हुई है और इससे कौन से बेनिफिट्स हो गए इंडिया को, तो लेटेस्ट वी डिस्कस अबाउट. फर्स्ट वन, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ट्रेड वॉज 5%. वर्ल्ड ट्रेड यानी कि वैश्विक व्यापार में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.5%. यहाँ पे जीरो नहीं दिया है, दैट इज 0.5%. आवर एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज ट्रिमेंडियसली ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज टू 1%. जो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें इंडिया के जो कमोडिटीज़ है उसका जो डिमांड है वो बढ़ी है. एंड दैट इज़ वाई इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन जो है वो अभी बढ़ के कितना हो गया है, 1% से ज़्यादा हो गया है. मोर देन हैज़ इंक्रीज टू 1%. तो पहले 0.5 था, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अ एक्सपोर्ट एंड दैट इज़ वाई इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज इन टू 1%. तो 1% से ज़्यादा जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस में, तो वर्ल्ड ट्रेड में यानी कि वैश्विक व्यापार में ये इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है. बीइंग मेंबर ऑफ WTO, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स ऑफ आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज. जो WTO के मेंबर बनने से क्या हुआ है कि जो रेडीमेड क्लोथ्स है उसकी जो एक्सपोर्ट यानी कि वो बाहर देश में उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हुई है. किसकी, हमारे देश की. तो एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ्स शुड बी Our country has been increased. As a member of WTO, India has been able to increase exports of its agro product. जो agro product है यानी कि agriculture से related जो product है उसकी भी जो export है वो WTO के member बनने के बाद बढ़ी है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि mostly जो raw materials है वो agriculture field में से आते हैं and that is why it should be a more demanded into other countries. ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ने से हर एक चीज़ में मुझे से ज़्यादा हमारी चीज़ हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं उसकी डिमांड अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा है. तो ये WTO के द्वारा जो है वो ईजिली हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं. ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, प्रेशर ऑन इम्पोर्ट हैज़ रिड्यूस एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज इन फॉरन एक्सचेंज. ज़्यादा एक्सपोर्ट होने की वजह से जो इम्पोर्ट यानी कि बाहर के देश में से जो हम लोगों को चीज़ मंगवानी पड़ती है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है. एंड दैट इज़ वाई जो फॉरेन डेप्थ था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि ज़्यादा पैसे जो हम लोगों को फॉरेन में लगाने पड़ते थे वो अभी कम हो गए हैं, उसकी मात्रा कम हो गई है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इनकम जो है हम लोगों को एक्सपोर्ट्स में से ही मिल जाती है. एंड दैट इज़ वाई जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट शुड बी अ इंक्रीज. जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ती है. Thus, as a member of World Trade Organization, India will not only get above mention but benefit also has to comply with some condition. जो ये हमारे जो ये benefits तो हो गए ही हमारे जो WTO के member बनने के बाद, लेकिन उसके साथ बहुत सारे जो कंप्ली मतलब conditions जो है वो भी हम लोगों को साथ में उसका पालन करना यानी कि कंप्लीशन करना पड़ेगा. इट इज़ एस्पेशली डिपेंडेंट ऑन हाउ फास्ट इंडिया इन क्राइसिस
इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड हाउ डेवलप्ड कंट्रीज ट्रीट इंडिया। ये जो है वो हमारे देश की जो इंटरनल हमारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है, और जो हमारा देश जो है कितनी कितनी हद तक जो है वो डेवलप हो सकता है, ये क्राइसिस पे जो है वो डिपेंड करता है कि WTO में WTO द्वारा हम अदर कंट्री के अंदर कितनी जो है इनकम प्राप्त कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पे हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। दैट्स मीन्स क्या होता है कि फ्यूचर की जो जनरेशन है, हमारे फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी जो नीड्स है उसको विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग के बिना जो है, यानी कि किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए बिना अभी की प्रेजेंट जनरेशन की जो ज़रूरियात है उसको फुलफिल करना, दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो प्रेजेंट में हम लोगों के पास जो रिसोर्सेज है अवेलेबल है उसको हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। तो ये कैसे बचेगा? तो प्रेजेंट की जो जनरेशन है उन्हें इस तरह उसको यूज़ करना है कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको ये इजीली मिल सके। तो लेट अस बी डिस्कस इन ब्रीफ। दस द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलप बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इफेक्ट ऑन नेचर नियर ह्यूमन हैबिटेशन एंड मैन क्रिएटेड कवर, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बात किया रिसोर्स, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो हम लोगों को हमारा जो एनवायरमेंट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसको हम लोगों को एक्सट्रीम इफेक्ट ऑन नेचर, हमारे जो पर्यावरण है उसके ऊपर कोई भी नुकसान हमें पहुंचाना नहीं है, तभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मेंटेन कर सकेंगे, ये डेवलप कर सकेंगे। द वे एंड द स्पीड विथ विच प्रेजेंट जनरेशन इज डेवलपिंग इट कैन नॉट बी मेंटेन द फ्यूचर। हम लोग जैसे देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हर एक चीज़ का जिसके हर एक लोग जो है हर एक चीज़ के पीछे भागे जा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेज उसकी कमी हम लोगों को अभी से दिख रही है, तो नॉट दैट शुड बी नॉट मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन जो है वो हमारे जनरेशन के सामने आया हुआ है। देयर इज़ अ फियर दैट लग्जरियस विच प्रेजेंट जनरेशन इज एन्जॉइंग मे नॉट बी देयर फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो लग्जरियस थिंग जो है हम लोग प्रेजेंट जनरेशन में एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन में शायद नहीं भी हो सकती है, तो इस चीज़ का हम लोगों को एक वी हैव टू बी वरी अबाउट दिस, हम लोगों को इस चीज़ की चिंता हो रही है। तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंटली जो भी रिसोर्स है एनवायरनमेंट के जो रिसोर्स है उसको इस तरह यूज़ करनी है कि हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको सेव कर सकें। देयर इज़ अ ट्रिमेंडियस डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्स ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देयर क्वालिटी इज ऑल्सो डिट्रॉइटिंग। हम लोग जैसे देखते हैं कि डेवलपमेंट के पीछे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका इस तरह यूज़ होता है कि जैसे ये उसकी जो क्वांटिटी है वो तो कम ही हो गई है लेकिन जो क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिटोरिंग मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है दैट शुड बी अ बिकम लेस। इन दिस कंडीशन देयर इज अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू बी चेंज, मतलब वी नीड टू फाइंड अदर ऑप्शनल थिंग। हम लोगों को डेवलपमेंट तो जारी ही रखना है लेकिन वो डेवलपमेंट में ऐसा ना हो कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म ही हो जाए, तो वी हैव टू बी फाइंड आउट द अदर वे। तो ये कैसे हो सकता है? आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट
is studied because of present development and effect of it in environment. Sustainable development जो है उसके बारे में हम लोगों को study करना चाहिए and that is why जो present development है उसके ऊपर उसकी effect ना आए और future में हम लोग उसका जो है वो future generation के लिए भी ये जो है resources रहे.